नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयवीर और आप देख रहे हैं पोटलॉजी का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3-ply मास्क मेकिंग मशीन की सोर्सिंग के बारे में कि आप इस मशीन को कैसे सोर्स करके इंडिया में इंस्टॉल करके जो करंट कोविड की जो आपदा है उसमें हमारे देश की मदद कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको सोर्सिंग, उस मशीन का प्राइस और उस मशीन को आप कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो जैसे कि आप 3-ply मास्क के बारे में जानते हैं, 3-ply मास्क 3 नॉन वूवन फैब्रिक के टुकड़ों को आपस में वेल्ड करके यानी जोड़ के बनाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें 2 ईयर लूप होते हैं और ईयर लूप के साथ साथ एक नॉच क्लिप भी होती है जो इस एयर गैप को फिल करने का काम करती है। तो कुल मिला के एक 3-layer मास्क में कुल मिला के 6 पार्ट्स होते हैं और ये मशीन इन 6 पार्ट्स को असेंबल करने का काम करती है। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है। तो आप देख सकते हैं इस मशीन में 3 फीडिंग लाइन है जो कि 3 नॉन वन फैब्रिक है। साथ में आप एक वायर भी देख सकते हैं जो प्लास्टिक की वायर है जो कि नॉज क्लिप का काम करेंगे। आप देख सकते हैं प्लास्टिक की वायर भी है इन 3 नॉन वूवन फैब्रिक के साथ साथ। तो ये चारों चीज जाके इस डाई में जाएंगी जो अभी ये इस मास्क को शेप दी जा रही है। ये शेप देने के बाद ये वेल्डिंग की डाई है जो इसको वेल्ड करेगी। साथ के साथ वेल्डिंग के बाद, क्योंकि गर्म होता है, उसके बाद वेल्ड करने के बाद ये इसको कट कर देती है तो इससे मास्क की शेप आ जाती है। इस स्टेज में इसमें 3 लेयर है। साथ के साथ जो नोज क्लिप का प्लास्टिक वाला पार्ट है वो भी इसके अंदर घुस के वेल्ड हो चुका है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 लाइन जा रही है। ये 2 लाइन नोज ईयर लूप असेंबल करने के लिए हैं, क्योंकि ईयर लूप असेंबली का काम स्लो होता है, इसलिए प्रोडक्शन का काम फास्ट होता है, इसलिए अब इसको 2 लाइन में डिवाइड करना पड़ता है। तो ये दोनों लाइन आगे जाके जो ईयर लूप वेल्ड करने का मशीन है उसमें फीड होंगी और वो ईयर लूप आगे आप देख सकते हैं, आगे ईयर लूप वेल्ड होगा और ईयर लूप वेल्ड होने के बाद एक अलग से कन्वेयर होगी जो इन वेल्डेड पीस को, कंप्लीट पीस को फोल्ड करके कलेक्ट करेगी। तो ये ईयर लूप वेल्डिंग का काम आप देख सकते हैं जो ईयर लूप इस के साथ वेल्ड हो रहा है। अब इस स्टेज पे ये मास्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस मास्क को फोल्ड करना है और पैकेट्स बनाने हैं। तो ये मशीन एक आप काउंट सेट कर सकते हैं, उतनी काउंटिंग के आपको ब्लॉक्स बना के दे देगी और आप उसको उसके बाद पैक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन है। ये हमने एक ईयर लूप की लाइन दिखाई, ये दूसरे ईयर लूप की लाइन है। दूसरी ईयर लूप की लाइन में भी पहले वाली की तरह ही ईयर लूप वेल्ड होता है। मतलब फंक्शनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, बस मशीन की स्पीड को बढ़ाने के लिए 2 ईयर लूप की लाइन लगानी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि ईयर लूप दूसरी लाइन पर भी वेल्ड हो रहा है। इस लाइन पर भी इसी तरह वेल्ड होके आप पैकेट में कितने ईयर लूप डालने हैं, वो कितने मास्क डालने हैं, वो आप मशीन में प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने पूरा दिखाया कि मशीन काम कैसे करती है और ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इस मशीन में सिर्फ 2 ऑपरेटर चाहिए होते हैं जो इस मशीन के ये सुचारू रूप से काम कर रही है, कहीं फीडिंग में गड़बड़ तो नहीं होगी है, वो चेक करने के लिए, लगातार मॉनिटर करने के लिए चाहिए। और ये मशीन आपको डायरेक्टली पैकेट्स बना के दे सकती है, आपको जस्ट उनको पैक करना है और सील करना है और वो मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल 100% रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी होती है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में ये जो 2 लाइन हमने दिखाई, ये दोनों लाइन जो ईयर लूप वेल्ड करने की लाइन है, ये दोनों लाइन उस वाली मशीन में नहीं होती हैं। ईयर लूप वेल्ड करने के लिए आपको अलग से वर्कर चाहिए होते हैं जो कि मैन्युअली आप वेल्ड कर सकते हैं। वो प्रोसेस भी पूरी तरह से मैनुअल नहीं होता, उसमें भी ये असेंबली लाइन नहीं होगी, बस एक मशीन दी जाएगी जिसको वर्कर हाथ से मास्क को रख के ईयर लूप लगा के हाथ से उन ईयर लूप्स को वेल्ड करेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि 3-layer मास्क मशीन, 3-layer मास्क बनाने की मशीन काम कैसे करती है। अब हम इसके प्राइस के बारे में बताएंगे। 3-layer मास्क मशीन आप 2 तरह से खरीद सकते हैं, 2 कॉन्फ़िगरेशन में खरीद सकते हैं। एक सेमी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक का मतलब है कि पूरा मास्क तो खुद बनेगा लेकिन जो ईयर लूप होंगे, ईयर लूप मैन्युअली वेल्ड करने होंगे, उसकी भी एक मशीन होगी, आपको आपके वर्कर को ईयर लूप फोल्ड करके और इस मशीन से वेल्ड करना पड़ेगा। तो इस तरह ये
जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन काम करेगी। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में कोई मैन पावर नहीं चाहिएगी आपको, आपका जस्ट फीड से लेके और आपका एंड प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी स्टेट में मिलेगा। तो ये है सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मशीन में अंतर है। अब हम दोनों के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन आपको जो फैक्ट्री प्राइस होगा गुंजाओ का वो $50,000 होगा, जबकि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का जो फैक्ट्री प्राइस गुंजाओ का होगा वो $80,000 होगा। तो आपने देखा कि इसके लिए लगभग 60 लाख से 1 करोड़ का बजट चाहिए अभी करंट सिचुएशन में इस तरह के प्लांट को चालू करने के लिए। अब हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग लगभग 80,000 से 1 लाख, यानी अगर आप एक शिफ्ट चलाते हैं तो लगभग आप 80,000, 10 घंटे के एक शिफ्ट चलाते हैं तो लगभग आप 80,000 मास प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं अगर आप दो शिफ्ट में इस मशीन को चलाते हैं तो आप लगभग 1.5 लाख मास प्रतिदिन तैयार कर सकते हैं इस ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मशीन में। ऑटोमेटिक मशीन में सिर्फ एक या दो ऑपरेटर चाहिए होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में दो ऑपरेटर के साथ साथ आपको 4 वर्कर भी चाहिए जो कि ईयर पीस को वेल्ड करेंगे, और ये 4 वर्कर जो मैंने बताए हैं बहुत ही एफिशिएंट होने चाहिए। अगर आपके वर्कर कम एफिशिएंट है तो आपको 5 या 6 वर्कर की भी आवश्यकता हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बताया कि आप ये मास्क मेकिंग मशीन 3 लेयर मास्क मेकिंग मशीन लगा के कैसे अपने देश की इस सिचुएशन में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि ये मशीन लगभग कितने की कितने प्राइस में आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो पोर्टलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आपकी हेल्प करेगा इस मशीन को सोर्स करने में, इस मशीन को इम्पोर्ट करने में तथा इस मशीन की क्लियरेंस में, कस्टम क्लियरेंस में। इसके साथ साथ हमारे पास ऐसे भी कॉन्टेक्ट्स हैं जो आपको इस मशीन को इंस्टॉलेशन में भी हेल्प करेंगे। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये जरूर आपके काम आएगी। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हो सकता है कि कोई और इंटरेस्टेड पार्टी इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। और साथ के साथ क्योंकि जितनी ज्यादा मास प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा इस बीमारी को कंट्रोल करने में हमारे देश की मदद होगी। तो आशा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह की और जानकारी में इंटरेस्ट है या आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं या भविष्य में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।